नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कोरोना का खौफ कितना है ये जानने के लिए हम रात में निकले हैं, बिल्कुल मास्क पहन के, पूरी तैयारी के साथ। ये देखना चाहते हैं कि कोरोना का जो लॉकडाउन है दरभंगा शहर में, उसको रात में उसकी स्थिति क्या है। गाड़ियां कुछ नज़र आ रही हैं, इस वक्त हम बाग मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, बेला चौक से बाग मोड़ की तरफ। रात का समय है, कुछ एक गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और बाकी यात्री या कोई पैदल दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और प्रशासन जो है वो बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। प्रशासन सख्त है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं। बाग मोड़ पर इस समय हम लोग पहुंच रहे हैं और आपको दिखाते हैं स्थिति क्या है। बाग मोड़ से हम इधर कटहलवाड़ी की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये है लॉकडाउन का असर, रात के समय आपको नज़र आ रहा होगा दरभंगा शहर में। पूरी तरह से दरभंगा को लॉक कर दिया गया है, सीमाएं सील की जा रही हैं। सार्वजनिक परिवहन की कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, ना ही कोई गाड़ी चल रही है। दुकानें भी बंद करा दी गई हैं, जो भी चाय या गुटखा मसाला पान की का दुकान है वो खोमचा बंद करा दिया गया है। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, जो राशन की दुकान है, दूध की दुकान है, वही खुली हुई हैं। रात का समय है दोस्तों, इस समय हम कंगवा गुमती के चौराहे पर पहुँचे हैं और यहाँ पर होटल शिवम सामने है। तो रोशनी तो है, दिखाई दे रही है शहर में, लेकिन चहल पहल नहीं है, गायब है। इक्का दुक्का लोग कहीं साइकिल पर, कहीं मोटरसाइकिल पर दिखाई देते हैं। इस वक्त रात के, शाम के 7 या 7:30 बज रहे हैं। पेट्रोल पंप है, वहाँ भी सुन सन्नाटा है। तो ये स्थिति है लॉकडाउन की दरभंगा शहर में रात के वक्त। दरभंगा रॉक्स पर इस समय रात के वक्त आप स्थिति देख रहे हैं और आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप देखें कि रात के समय दरभंगा की स्थिति क्या है। प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई की है आज दोस्तों। कल जनता कर्फ्यू था, जनता स्वेच्छा से कल अपना कारोबार या स्वेच्छा से कर्फ्यू लगाया था, लेकिन आज प्रशासन बहुत सख्त था क्योंकि कई जगहों पर दुकानें खुली थी और कई जगहों पर जो है, तो आज दिन भर जो है एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ती रही हैं, प्रशासन की गाड़ियां दौड़ती रही है, पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रही हैं, ताकि लॉकडाउन को जो है वो उसका पालन कराया जा सके। और ये पालन ज़रूरी है दोस्तों, शहर को अगर महफूज रखना है इतने बड़े खतरे से, तो सबको साथ खड़े होकर के साथ देना होगा सरकार के हर निर्णय का, इस फैसले का। आगे भंडार चौराहा पहुंच रहे हैं हम, आपको लिए चलते हैं फ्लाईओवर के ऊपर से, ताकि स्टेशन का दृश्य दिखा सकें। ये हम स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ियां खड़ी है दोस्तों, ये यार्ड के पास है। मालगाड़ी यहाँ से मूव कर रही है, मालगाड़ी मूव कर रही है। और इस तरीके से आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। तो दोस्तों, कटहलवाड़ी से हम लोग निकल रहे हैं, कटहलवाड़ी से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइट्स, रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, रोशनी है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन गाड़ियों की वो संख्या नज़र नहीं आ रही है जो आमतौर से दिखाई देती है। कोरोना इफेक्ट साफ दिखाई देता हुआ कटहलवाड़ी में। और ये ज़रूरी भी है, एहतियात बरतना, घरों में रहना और इसको गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मकसद भी यही है, दिखाना कि दरभंगा शहर कितना गंभीर है।
इसी तस्वीर को दिखाने के लिए हम निकले हैं हमारे सहयोगी शहजादा खान के साथ। शहजादा क्या कहेंगे, रात के समय कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है पहले से? कल के हिसाब से जो है आज थोड़ा सा ठीक है माहौल। कल तो ऐसा सन्नाटा था चारों तरफ कि एक भी इंसान जो है नज़र नहीं आ रहा था। आज थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा बहुत चहल पहल है, सुबह में और था, लेकिन अभी जो है कम हो गया। प्रशासन के सख्ती के वजह से बहुत कम हो गया है, क्योंकि आज दिन भर जो है राउंड मार रही है प्रशासन, दिन भर राउंड चला है प्रशासन का, लाठी चला है, डंडा जगह चला है, और जितनी भी दुकानें छोटे मोटे दुकान थे सारे दुकानों को बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है, और ये सख्ती ज़रूरी भी है, क्योंकि बगैर सख्ती के आप लॉकडाउन का पालन नहीं करा सकते। ये स्टेशन आपको दिखाते हैं, स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए सन्नाटा सा है, बसें खाली कुछ दिखाई दे रही हैं, ये बसें शायद रोकी गई हों। और आपको दिखा देते हैं स्टेशन का हाल, दुकानें यहाँ भी बंद हैं, कुछ एक दुकानें खुली हैं, इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हुई नज़र आ रही हैं स्टेशन पर, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। और स्टेशन पर देख लीजिए किस तरह से सन्नाटा है स्टेशन परिसर, क्योंकि यहाँ ना कोई यात्री है, यहाँ ना कोई ट्रेन है अभी आ रही है। और कोशिश इस बात की है कि उन जगहों पर बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ यात्रियों को जमा ना होने दिया जाए, इकट्ठे चार आदमी को इकट्ठा ना होने दिया जाए, ताकि जो है संदिग्ध की पहचान की जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में रुके रहें ताकि इस पर जो है अंकुश लगाया जा सके, और ख़तरा जो है वो महामारी का रूप ना ले। और ये सख्ती ज़रूरी भी है, क्या कहेंगे इससे जो है एक ये सख्ती से जो है एक फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है उन लोगों के लिए जो डेली कमा रहे थे खा रहे थे। उनके लिए एक दिन की बात नहीं है, आने वाले 8 दिन 10 दिन वो बेचारे ना कमा सकेंगे ना खा पाएंगे। और जिस तरीके से राशन के दुकान पे लंबी लंबी कतारें लग रही है, लोग जमाखोरी के तरफ जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं राशन, शायद उनको डर है कि कहीं हमको आने वाले 7 दिन के बाद हमको कोई राशन ना मिले और कोई सामान ना मिले। इस वजह से जिनके पास पैसा है वो तेल हो आटा हो चावल हो वो भर भर के अपने घर में रख रहे हैं। तो ये भी एक पल होता है जब काला बाजारी या जमाखोरी का जो है चांदी हो जाती है और वो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं है कि राशन पे पाबंदी हो या ट्रांसपोर्टेशन में पाबंदी हो या फिर दवाई नहीं मिल रही हो, दूध नहीं मिल रहा हो, सब चीज़ अवेलेबल है और राशन की दुकानें खुली हुई हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए अफवाहों से पर ध्यान न दें, भ्रम में ना आए। अगर दरभंगा में आप रह रहे हैं या कहीं भी किसी भी शहर में रह रहे हैं बिहार में, तो ये अभी देखिए राशन का दुकान का हाल है। ये देखिए राशन की दुकान है, यहाँ पर कुछ भीड़ नज़र आ रही है। और हम यही कह रहे थे कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दे, सब कुछ अवेलेबल है और आवाजाही बिल्कुल सामान्य है, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी है तो वो लॉकडाउन में होती है और वो ज़रूरी भी है, इसलिए अफवाहों से बचें और ख़ुद को भी बचाए, दूसरों को भी बचाए, स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहें रखें। तो कोरोना से बचना है और बचाना है, इसलिए ये ज़रूरी है। इसलिए आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दरभंगा रॉक्स आपकी स्वस्थ होने की कामना करता है। कुछ और वीडियो, कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। लगातार हमारी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स।